चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के रहने वाले 25 साल के अमित को शामली में तेज धार हथियारों से गूंथकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बात की जानकारी मृतक अमित के परिजनों को शामली पुलिस ने दी, जहां पुलिस ने अमित के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक अमित के परिजनों ने बताया कि 3 दिन से अमित की पत्नी घर से लापता थी और इसकी शिकायत मुलोया थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन थाना पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई ना करके खाना पूर्ति करते रहे। इसी बीच अमित को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी शामली में अपने किसी जानकार के पास है, जिसके बाद अमित देर रात 2 बजे शामली पहुंचा, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मेरा छोटा ब्रदर था जी, 38 वेस्ट की कहानी है जी। उसकी घरवाली थी जो पड़ोसियों के लड़के के साथ में भाग गई थी, तो हम वहाँ पे थाने में गए थे परसों गए तो वो बोल रहे हैं कि साहब नहीं है यहाँ पे, अभी करते हैं, हम आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, हमें कुछ राह नहीं डाला जी। फिर दूसरे दिन हमने रिपोर्ट लिखवाई वहाँ पे, उन्होंने कच्ची रिपोर्ट लिखी है। हमने बताया उनको भी हमारी जो छोटे भाई की घरवाली है वो लड़के के साथ में भाग गई जी, छोटा सा बच्चा है उसके साथ में, तो भी ऐसे ऐसे बात है। जो मेरा भाई है वो बोल रहा है कि चलो जो भाग ही गई घरवाली चल जाए, जो भी था अभी मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, मुझे अपना बच्चा चाहिए भाई, जनाब मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरा बच्चा ला दो बस, मुझे अपनी घरवाली की इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो दोबारा भी फिर भी गए थाने में तो भी बात नहीं बनी जी, वो बोलते हैं कि साहब नहीं है अभी यहाँ पे, हम करते हैं जी, कोई बात नहीं, आप घर जाओ, निश्चिंत हो गए हम करते हैं। तो देखो जी इन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी, पर हम ये कहना चाहते हैं अभी नाकामी देखो, हमने ये भी बोला था भी जब लड़के के साथ में कोई अनहोनी हो जाएगी, मान लो हमारे छोटे बच्चे के साथ में कुछ हो जाता उस टाइम, तो हमें उसका फिक्र था, हमें अपनी बहू का फिक्र नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ, तीसरे दिन उस जो लड़का भगा के लेके गया था उसका रिश्तेदार था कोई, वो बोलता कि चल भैया जो जिस लड़के की बहू भागी थी उसका अमित नाम है जी, वो बोलता कि अमित चल मुझे पता था तेरी बहू कहाँ पर है भाई, मैं चल तेरे को बता रहा हूँ। तो उस साजिश बना के उसको पता नहीं कैसे लेके गए वहाँ पे शामली ले जाके, तो वो उसके घर में ले गया, पता नहीं कितने लड़कों ने उस पर वार करा और वो उस लड़के को मार डाला, हमारे लड़के को, मेरे भाई को। और ये देखो आज पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करके जब हमने बताया आके यहाँ पे, फिर कागजी कार्रवाई निकाली उन्होंने, उस दिन से नहीं आगे हमें पूछा भी हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, हम कर रहे हैं कार्रवाई या क्या बात है। देख लो चंडीगढ़ पुलिस की नाकामी देख लो जी भाई, ये देखो थाना कौन सा पड़ता है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जब तक इनके हाथ में पैसे नहीं धरे जाते पुलिस वालों के, जब तक ये काम नहीं करते, अब देख लो आप गरीब बंदे हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश और इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में 25 साल के अमित ने अपनी जान गंवा दी। मृतक अमित के परिजन अब इस मामले में संलिप्त आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।